आप अगर उसको पढ़ें तो उस उन नोट्स के अंदर और इसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि जिसमें वो कहता है कि सोसाइटी की जो स्ट्रगल है वो ही बेसिकली बताती है वो ट्रेजिडी का कॉज बनती है उसी की वजह से ट्रेजेडी जो है वो अक्कर होती है क्लासेस की वजह से हर एज के लिए हर हर सोसाइटी पीपल के लिए डिफरेंट हो सकती है हर सोसाइटी का एक ऑर्डर होता है और वो डिसऑर्डर को क्या करता है करेक्ट करता है

लेकिन हमने उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं की हम वही रोमन ग्रीक्स की लेके आ गए डेफिनेशन हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते रहे अभी इसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी के अंदर स्ट्रगल है वो स्ट्रगल किसकी है क्लासेस की है वो कॉज बन रही है क्योंकि जो अपर है वो लोअर की जो लोअर है वो हमेशा अपर की तरफ यही इसी इसी नजर से देखता है कि वो मेरा इस्तेसाल कर रहा है अब देख लें बॉस की तरफ जो उसके सबॉर्डिनेट है वो यही देखते हैं ना कि ये मेरा कर रहा है अब जो मुलाजमीन है जो जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो सारे पैसे कमा लेता है तो वो जो सरप्लस वैल्यू है वो जैसे काल मार्क्स ने कहा था उसके बारे में वो इतने खतरनाक हो गए हैं कि आप उनको जब तक रिवोल्ट नहीं करते आप उस पावर स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते और यही बेसिक कॉज है ट्रेजिडी का बिकॉज पीपल सफर ड्यू टू दिस क्लास इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेजिडी सोशल जो इम्प्लीकेशन हैं जो सोसाइटी है ये कॉज है ट्रेजडी की मॉडर्न में बेटोल ब्रैकेट ने कहा कि जो रिस्टोटेलियन थिएटर है या एपिक थे, जो थिएटर था वो रिस्टोटेलियन थिएटर जस्ट लोगों को इमोशनल बनाता है जबकि जो जो उसने थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया था एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया था उसने कहा ये थिएटर ठीक है इसमें लोगों को रैशनल बनाया जाता है ये रैशनल थिएटर है

कि ये कॉन्फ्लिक्ट है इंडिविजुअल की और फोर्सेस की फोर्सेस कौन सी हैं बा एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सोशल फोर्सेस हैं वो उनके दरमियान एक एक फाइट है एक लड़ाई है इसको मैंने डिफाइन किया नीचे मैं आपको ये डिफाइन करूंगा नीचे वो कहता है द ट्रैजिक एक्शन इन द डीपर सेंस इज नॉट द फॉर्मेशंस ऑफ डिसऑर्डर बट इट्स एक्सपीरियंस इट इज अ कॉम्प्रिहेंशन नॉट इट्स रेजोल्यूशन

ट्रेजिक एक्शन इज नॉट इज नॉट द डिसऑर्डर फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑर्डर डिसऑर्डर को बनाने वाला uh, कोई भी ट्रेजिक एक्शन नहीं है डीपर सेंस में देखा जाए बट इट्स एक्सपीरियंस कि बंदा उसको ले कैसे रहा है कुछ लोगों ने यह कहा कि ट्रेजिडी हीगल और डब्ल्यू बी जीट्स कहता है ये हीगल और डब्ल्यू बी यूट्स यूट जो हैं वो ट्रेजिडी के बारे में बताते हैं कि एक जगह पे होता है मेयर सिंपथी कुछ लोगों के लिए हमें पेयर सिंपथी होती है मेयर सिंपथी होती है उसने इस तरह क्लासों में बांटा है उसने भी और किसके लिए ट्रू सिंपथी होती है ठीक है और डब्ल्यू बी यूट्स ने भी कहा कि ट्रेजिडी उसने भी अरिस्टोटल को फॉलो किया तो रिस्टोटल ने जैसे कहा था कि हाई रैंक का बंदा हो तो वो पिटीफियर ज्यादा लेके आता है रॉयल और हाई रैंक का तो उसने कहा वो रिजेक्ट करता है uh, मेयर सैम्पथी और ट्रू हीगल के कॉन्सेप्ट को हीगल एक फिलसफर था तो साथ साथ वो रिजेक्ट करता है उसके कॉन्सेप्ट को भी डब्ल्यू uh, बी के भी डब्ल्यू बी जो है वो भी किसको करता है फॉलो वो भी आ, हीगल और अरिस्टोटल को फॉलो करता है तो वो कहता है कि इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मैं रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि जब ये कहते हैं कि ट्रू सिंपथी मेयर सिंपथी और डब्ल्यू बी यूट करता है कि जैसे अरिस्टोटल ने कहा कि रॉयल इंसान की ट्रेजिडी होती है कॉमन मैन की ट्रेजिडी नहीं होती तो यहाँ पे वो कहता है कि कॉमन मैन की भी ट्रेजिडी हो सकती है कि हम उसको एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं हम उसको ले कैसे रहे हैं क्योंकि किसी चीज का अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इट इजो रिस्पॉन्स आप अगर किसी चीज को फिक्स कर देते हैं कि जो चीज एक सोलड किस्म का रिस्पॉन्स लेके आती है लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं जैसे कोई रॉयल पर्सन की, की डेथ हो उसकी ट्रेजडी बन जाती है वो कहता है कि आम इंसान की ट्रेजडी होती है कि जब ट्रेजिडी होती है एक आम इंसान की तो उसके घर वाले उसके उसकी औलाद उसके पेरेंट्स उसके रिलेटिव उसके फ्रेंड्स बहुत से लोग भी सफर करते हैं

तो वो भी उससे सफर कर रहे होते हैं तो एक आम इंसान की भी ट्रेजिडी होती है इट इज हाउ वी एक्सपीरियंसिंग हाउ वी एक्सपीरियंस इट जो इवेंट हो रहा है या जो कुछ हो रहा है उसको हम कैसे उसको सेंस आउट कर रहे हैं हम उसको कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इट डिपेंड्स तो फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर बट इट्स एक्सपीरियंस ये उसका एक्सपीरियंस है कि आप उसको क्या ऑर्डर समझ रहे हैं डिसऑर्डर समझ रहे हैं कैसे ले रहे हैं कुछ इंसान जो है वो बहुत सारे मामला हो जाए तो वो उसको ट्रेजिडी ही नहीं समझते कुछ लोग हैं छोटी सी बात को भी ट्रेजिडी समझते हैं एक इंसान जो है वो अफ्रीका में बैठा है उसकी काओ की डेथ हो जाती है उसकी भैंस की डेथ हो जाती है अब उसके लिए एक बंदे के बिलियन डॉलर की बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाता है या उसके लिए कोई और मसला है अमीर रिच मैन के लिए तो वो रिच मैन और वो जो आम बंदे की जिसकी भैंस की डेथ हुई है उसको हो सकता है या उसकी जो काओ है वो उसको ऐसे बिलियन डॉलर जैसी नजर आ रही हो तो ये एक्सपीरियंस है हो पीपल आर एक्सपीरियंसिंग थिंग वो उन इवेंट्स को कैसे ले रहे हैं नोबडी कैन मैयर तो इंसान उसे मैयर नहीं कर सकता कि भाई वो जो अफ्रीका में बैठा उसने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया है या यहाँ पे बैठा जो बिलियन डॉलर जिसका नुकसान हुआ उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है उसने ज्यादा उसको रिस्पॉन्स किया सो यू कांट रिस्पॉन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स

और उसकी रेजोल्यूशन कैसे कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है डिस्कस इन द लाइट ऑफ द रेमंड विलियम्स मॉडर्न ट्रेजिडी इसको भी मैंने मजीद डिफाइन किया है इसको हम देखते हैं नीचे ये है क्वेश्चन इनको जस्ट समझने की जरूरत है ये क्वेश्चन वही है बस उसने थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछे हुए ये बाद में दो देखेंगे बार एट द मोमेंट अच्छा ये क्वेश्चन है आपके ऑर्डर और डिसऑर्डर वाला ठीक है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ऑर्डर क्या है नजदीक रेमंड विलियम मीनिंग ऑफ एवरी डे ट्रेजडी ये वही बात है जो मैंने पहले आपसे कही कि रेमंड विलियम मीनिंग ऑफ एवरीडे ट्रेजेडी को क्या लेता है कि रिस्पोंस इवेंट इवेंट जब भी कहीं यहां पे हो रहा है ये इवेंट है आउटसाइड हुआ है ये इंसान का ह्यूमन माइंड है यहाँ पे इवेंट हो कुछ भी अब एक बंदे के लिए ये इवेंट कुछ भी नहीं हो सकता एक बंदे के लिए बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है तो इवेंट जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है हर इंसान के लिए कोई भी इंसान विलियम एक क्रिटिक भी है और एक आ, सोशल क्रिटिक भी है मार्क्सिस्ट भी है तो वो चीजों को बड़ा डीपली और बड़ा सिस्टमेटिकली पीस बाई पीस वो एक्सप्लेन करता है चीजों को एक इवेंट आउटसाइड uh, होता है तो वो उसको एक इंसान किस तरह ले रहा है ये हर इंसान का इंडिविजुअल होगा उस इवेंट इवेंट से जब भी होगा यहाँ पे तो यहाँ पे ह्यूमन माइंड जो है उसे वो डिफरेंट करेगा एक जो है वो उसके ऊपर रोना शुरू कर देता है वीपिंग एक जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मतलब जो भी हुआ है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा वो बिल्कुल खामोश है तो अगर खामोश है खामोश

रोमन ग्रीक्स देस पीपलो देर ओन कल्चर सोसाइटी एंडऑर्डर उनके लिए अपना सिस्टम ऑफ डिस और हर सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए ऑर्डर होता है या एक एब्रैक्ट रूल रेगुलेशन होते हैं वो हर सोसाइटी के लिए डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी कल्चर पीपल ट्रेडिशन यीट्स ये मैंने अभी एक्सप्लेन हीगल इन दोनों को वो क्या करता है रिजेक्ट करता है सिंपथी मेयर सिंपथी टू सिंपथी का कॉन्सेप्ट देता है चीजों को कन्फाइन कर देता है किसके लिए अमीर लोगों तक कुछ अमीर लोगों के लिए कुछ और रूल है कुछ गरीब के लिए कुछ और रूल है गरीब बंदे की ट्रेजडी नहीं होती अमीर बंदे की ट्रेजिडी होती है कि वो रैंक एंड हाई रैंक एंड फाइल है और वो हाई प्रोफाइल्ड पर्सन है जबकि आम बंदे की ट्रेजडी नहीं होती अकॉर्डिंग टू द ही गर्ल्स एंड डब्ल्यू बीजीस्टोटल्स समथिंग लाइक दैट ही रिजेक्ट्स दिस कॉन्सेप्टी इज डिट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मॉडर्न ट्रेजेडीज एन अदर क्लासिकल ट्रेजडी

आम बंदा पीटी फियर क्रिएट नहीं करता आम बंदा जो है उसके ऊपर कोई किसी को रेस्पॉन्स नहीं आता जबकि आम बंदे के ऊपर भी आता है। एक्सीडेंट को ट्रेजेडी नहीं मानते कौन हीगल और यीट्स कहते हैं कि एक्सीडेंट को वो एक्सक्लूड करते हैं ट्रेजिडी विच इज टोटली रॉन्ग अगर आप एक्सीडेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं ट्रेजिडी के अंदर तो हाउ कैन यू से

आप सिर्फ हाई प्रोफाइल बंदे की रॉयल बंदे की ट्रेजिडी बता रहे हैं तो हीगल के कॉन्सेप्ट को और साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को डब्ल्यू बीजेड के दोनों को रिजेक्ट कर देता है आगे आए जी मार्क्सिस मार्क्सिस ने कहता है कि जैसे बताया है क्लासेस का मटेरियल कॉन्शियसनेस इज द कॉज ऑफ द ट्रेजिडी इट इज कॉज ऑफ द ट्रेजिडी तो ये वो बताता है कि जी क्लास जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रेजडी की सोसाइटी के अंदर विलियम डिफाइंड ट्रेजडी एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द फोर्सेस दैट डिस्ट्रॉय हिम इस सवाल को समझें इस सवाल के अंदर वो बताता है कि विलियम डिफाइंड ट्रेजडी एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द फोर्सेस दैट डिस्ट्रॉय हिम बहुत सारी फोर्सेस होती हैं इंसान के ऊपर और आउटसाइड जो सोशल फोर्सेस हैं वो ट्रेजिडी की कॉज बनती है हडा गाबलर को अगर आप देख लें तो वो भी एक ऐसे लगता है कि जो सोसाइटी है वो उसको अल्टीमेटली कॉज बन रही है उसका उसकी उसकी ट्रेजिडी का शेफर शेखफ का चेरी ऑर्चर्ड देखें तो सोश सोसाइटी जो है इट इज अ कॉज ऑफ द ट्रेजिडी तो फिर सोसाइटी फिर वो कहता है कि हीरो की डेथ के बाद किसी चीज का ट्रेजिडी का एंड हो जाना ये भी कोई परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है जब हीरो की डेथ होती है उसके बाद भी तो बहुत सारे मिसाइल शुरू हो जाते हैं जब उस मेन कैरेक्टर की डेथ होती है तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं दे आर आल्सो सफरिंग उन लोगों के ऊपर ट्रेजिडी फिर वहां पे एंड नहीं होती इट आल्सो पासेस टू अदर पीपल एज और उसके बाद एक रिलीजियस सेरेमनी होती है बहुत सारे लोग गैदर होते हैं इकट्ठे होते हैं डेथ इज नॉट द एंड ऑफ ट्रेजिडी डेथ कोई एंड नहीं है ट्रेजडी का उसके लिए वो मसाले भी देता है बहुत सारे करेक्टर के इवन ईडी पस रैक्स के अंदर भी ईडी पस रेक्स की आंखें फोड़ देने के बाद भी वो मजीद ट्रेजिडी उसकी चलती रहती है बहुत सारे करेक्टर के साथ इस तरह होता है द द मोस्ट बुक ऑन मॉडर्न ट्रेजिडी मॉडर्न ट्रेजिडी के अंदर जो उसने जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो कहता है जी बहुत बुक है और इस बुक के अंदर जो उसने कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको पीस बाय पीस रिजेक्ट किया है पहले उस सबको बताता है कि मेडिवल एज में ओल्ड एज ऑल्ड एज में कौन सी ट्रेजिडी थी वो उस वक्त के कल्चर लोगों के साथ कॉन्फाइन थी और लोग उसी को डिस्कस करते उसी तक महदूद थी वो जो गॉड God, गॉडस के लोग थे फेट बेस लोग थे उनकी बेसिस के ऊपर उन्होंने सेट किया हुआ था एक आर्डर और वो अपने डिसऑर्डर को अब्सट्रैक्ट रूल्स और उनके जो थे सुपर uh, नेचुरल जो चीज़ें थी वो उनको कंट्रोल कर रही थी तो दैट वॉज गुड अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेडिशन बट विद पैसेज ऑफ टाइम देर आर वर्स चेंजेस

तो इस तरह वो कहता है कि हर एज के अंदर कंटेम्प्रेरी ट्रेजिक आइडिया आजकल जो कंटेम्प्रेरी आइडिया है उसमें वो डिस्कस करेगा कंटेम्प्रेरी आइडिया को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें बेटोल ब्रैकेट का आइडिया आ जाएगा ठीक है और उसके बाद हेनरिक एप्सन एप्सन को डिस्कस करेगा एपसन, ये भी मॉडर्न एक ड्रामेटिस्ट है आप इस इन बंदों ने जो ट्रेजिडी के ऊपर जो ड्रामाज लिखे हैं उसमें आप देखें कि सोशल जो सोसाइटी है वो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टफ्लिक्शन जो है वो बायस बनती है आप हडा को देख लें उसकी मिसाल दे सकते हैं हडा गाबलर को देख लें तो वो क्या वो सोसाइटी को बरकरार रखना चाहती है वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे लग रहा है कि जैसे सोसाइटी और उस इंसान के एक हैडा है और उसके साथ क्या है बहुत सारी फोर्सेस हैं सोसाइटी की क्या चल रहा है वो अपना नेम भी बनाना चाहती है कि नेम भी रहे वो क्या अपनी जो रॉयल पर्सनैलिटी है उसको भी कैरी ऑन करना चाहती है वो अपने हस्बैंड हस्बैंड को हज़्ण का नाम भी बनाना चाहती है कि वो अच्छा राइटर बन जाए वो लव अफेयर भी रखना चाहती है तो ये सारी फोर्सेस हैं जो वन बाय वन वो एक करेक्टर के साथ कन्फ्लिक्शन में है ठीक है तो वो अपनी जो मदर इन लॉ है उसके के सामने भी अपना रोब बनाना चाहती है तो अब ये सारी फोर्सेस जो हैं वो उसके उसके साथ हैडा गबलर के साथ है जज ब्राक और वो जो सारे हैं वो उनके साथ भी अपने रिलेशन बनाना चाह रही है और साथ साथ वो एक अकेली औरत है तो यहाँ पे भी देखो उसने क्या किया विलियम डिफाइंड ट्रेजडी एज अ बिटवीन इंडिविजुअल एक बंदा है और दैट डिस्ट्रॉय

तो इस तरह वो साबित कर एक फोर्स एक है एक इंसान है और उस वो किनके साथ है कॉन्फ्लिक्ट में है बहुत सारी फोर्सेज के साथ वो कॉन्फ्लिक्शन का बायस बन रही है आप मसाल दें चेरी और चटकी आप उसको अच्छी तरह पढ़ें आप मिसाल दें गलियो गली की आप मसाल दें यहाँ हैडा गर की आप मसाल दें यहाँ पे द डोल हाउस की नोरा की अंडरस्टैंड इनको याद करें और इनको इधर डिस्कस करें ये बहुत सारी फोर्सेस हैं और ग्लेडियो ग्लेडियो को ले लें क्योंकि ब्रैकेट ज़्यादा आइडलाइज करता है तो वो उसको लाइक भी करता है वो खुद भी मार्क्सिस्ट है <coughs> मार्क्सिज्म आप उसकी जो भी असाइनमेंट पढ़ेंगे उसमें मार्क्सिज्म कांसेप्ट जरूर आएगा सो दीज आर सोशल क्लासेस दिस इज क्लासेस सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है जब भी सोसाइटी मार्क्सिज्म आएगा तो क्लासेस आएगा जब क्लासेस आएगा तो सोसाइटी आएगी क्लास आएंगी तो सोसाइटी आएगी और सोसाइटी हमेशा बटी होती है किसमें अपर लोग होते हैं कुछ कुछ मिडल होते हैं क्लास कोई लोअर क्लास होते हैं तो आप हडा गैब्रो को देख लें तो उसमें भी एक अपर क्लास है और एक लोअर क्लास मिडिल क्लास का बंदा है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही वो मिडिल क्लास को एक्सेप्ट नहीं कर और मिडिल क्लास के कुछ नॉर्म्स होते हैं जब भी उनके घर बहू जाती है तो वो कहती है ये खाती क्या है ये पहनती क्या है ये क्या कर रही है ये कैसे रह रही है ये कैसे पका रही है ये कैसे अपने हस्बैंड को इधर लेके जा रही है ये कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है ये मिडिल क्लास की बातें होती हैं आम अपर क्लास इन चीजों को डिस्कस नहीं करते वो तो उनकी चीजें आम होती है पार्टीज वगैरह तो ये कॉन्फ्लिक्शन आ जाती है सोसाइटी और इंडिविजुअल के दरमियान कॉन्फ्लिक्शन आ जाएगी जब सोसाइटी डिस्कस होगी जब सोसाइटी डिस्कस, हो डिस्कस हो रही है सोसाइटी के अंदर क्लासेस डिस्कस हो रही है तो मार्क्सिज्म आप आसानी से इसको पॉइंट आउट कर सकती हैं कि क्लास सिस्टम आ गया अपर लोअर मिड अपर और मिडिल क्लास का मसला आ रहा है अगर गौर से देखें हडा गाबलर का मसला क्या है उसकी समरी नहीं तो मैं आपको सेंड कर देता हूं उसकी समरी सुने उसमें आप देखें कि एक अपर क्लास की औरत है हडा गाबलर एक जर्नैल की बेटी थी उसका फादर एक फौज में एक बहुत अच्छी पोजिशन में था तो वो क्या है अब वो मिडिल क्लास में उसकी शादी होती है वो एक राइटर होता है तो वो अब क्या कर रही है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही उस बंदे को उस बंदे के साथ उसकी थॉट नहीं मिल रही उस सोसाइटी के साथ उसकी मिल नहीं रही सोच सोसाइटी जो है वो कॉज बन रही है उसकी ट्रेजिडी का लोग क्या कहेंगे हर तरफ उसे यही बातें सुननी पड़ रही हैं। सो शी इज नॉट गोइंग टू एडजस्ट शी इज नॉट एडजस्टिंग हर सेल्फ एंड मिडिल क्लास सोसाइटी तो ग्रीक ट्रेजडी को डिस्कस कर दें उसके मसाइल और थे मार्क्सिज्म को डिस्कस कर दें और कुछ ये चीज़ें ले लें ले और ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन को बस मैं पहले कह रहा हूँ समझने की जरूरत होती है जब आप समझें मेडिवल देखें ग्रीक ट्रेजडी कुछ और है मेडिवल ट्रेजडी कुछ और है और रेंस सेज की ट्रेजडी कुछ और है ये इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी न्यू क्लासिकल ट्रेजडी इसको डिफाइन कर दें मॉडर्न ट्रेजडी इसके अंदर भी बेसिकली क्लासेस ही थी वो कहता है कि हर सोसाइटी के अंदर ही क्लासेस होती हैं मेन जो इशू है वो क्लासेस का ही है उस वक़्त की क्लास कुछ और थी ग्रीक लोग कुछ और थे उनकी एक क्लास थी उन्होंने उसके लाज से लिखी ये एक अलीहदा क्लास थी मेडिवल ये कुछ अलीहदा थी ये कुछ अलीहदा सोसाइटी थी ये अलीहदा सोसाइटी थी और इस तरह आप कंक्लूड कर सकती हैं कि मेन जो सोर्स है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी की जो नॉर्म्स होते हैं वो कॉज बन रही थी ट्रेजडी का तो हर एज में वो कहता है कि डिफरेंट थी ये सवाल समझ आ गया इसको आप कर सकती हैं आप पढ़ लें अगर नहीं आपके पास तो मैं इधर आपको बता भी दूंगा इसके ऊपर करंट के नोट्स के ऊपर भी ये है इसका स्नैपशॉट लेना तो ले रहे

देर इज अ डिस एंड इट इज करेक्टेड बाई ऑर्डर हर सोसाइटी के अंदर एक डिसऑर्डर होता है और उसको करेक्ट करने के लिए भी उन्होंने उस वक्त के कल्चर ने उस वक्त के सोसाइटी ने उस वक्त के लोगों ने उस वक्त की सराउंडिंग ने उस वक्त के रिलीजन ने कुछ उसके एबस्ट्रैक्ट रूल्स बनाए होते हैं चाहे आप रोमन ग्रीक्स में आ जाएं मेडिवल में आ जाए ओल्ड इंग्लिश में आ जाए मेडिवल में आ जाएस में आ जाए और क्लासिकल न्यू क्लासिकल में आ जाए

जो फोर्स करती थी ना वो क्या करती थी आप खुद समझ जाए गॉड ग अपोलो फेट और फॉर्चून टैलर ये फोर्सेज थी वो, वो उसको करेक्ट करती थी ट्रेजिडी इज

कोई बंदा ये ना कहे उसके सामने के एक क्लास की ट्रेजडी होती है वो इसके खिलाफ है ट्रेजडी एंड आइडियाज चेंजिंग ह्यूमन ह्यूमन नेचर नेचर और अनचेंजिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं मैं अभी आपको बता देता आइडिया जब भी आप ट्रेजिडी को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे ट्रेजिडी के बारे में हम लिखेंगे कि ट्रेजडी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कंसेप्ट ट्रेजडी का कि सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है उसके नॉर्म रेस्पॉन्सिबल है कल्चर उस वक्त का एक खास किस्म का ऑर्डर होता है एब्स्ट्रैक्ट रूल होते हैं जिसको ऑर्डर डिसऑर्डर को ऑर्डर करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज नहीं होती कुछ लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर चेंज होती है वो इनको बिटरली क्रिटिसाइज करता है, जो कहता है कहते हैं कि ह्यूमन नेचर नेचर इज अनचेंजिंग जो लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर अनचेंजिंग है वो उनको बिटरली क्रिटिसाइज करता है कहता है कि नेचर इंसान की नेचर चेंज होती है अगर चेंज नहीं होती तो कहता है फिर हम शुरू हो जाते हैं फिर उसको आपको बताएगा कि रोमन ग्रीक्स में लोग और तरह के थे वो सोचते और तरह वो बिहेव और तरह के तरह करते थे उनके कॉन्शियसनेस इतने वसी नहीं थे जितने आज के, लोगों के। Rances, आप में लोग थे फैसले करता था। आगे आ जाए रेंस एज में ह्यूमनिज्म के अंदर से प्रोड्यूस होती है मैन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड ह्यूमनिज्म आ गया आगे आप आ जाए क्लासिकल एज में तो क्लासिकल ऐज में ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक और टू द पॉइंट लोग हो गए सेकुलर लिखने लग गए आगे आ जाए उसमें मॉडर्न ऐज में मॉडर्न ऐज में वो मतलब सोसाइटी है सब कुछ अब सोसाइटी कल्चर सोसाइटी ये चीज़ें मीनिंग चेंज कर देती इंसान की नेचर चेंज कर देती है जैसा इंसान का इन्वायरमेंट होता है वो तकरीबन वैसा हो जाता है

रोमन ग्रीक से अब तक जो ट्रेजिडी है वो अपनी शेप वैसी नहीं रख सकी वो वैसी रिफ्लेक्शन नहीं दे सकी उस वक्त कुछ और थी अब कुछ और है इसी तरह ह्यूमन नेचर भी इसी तरह ही है ह्यूमन नेचर इज़ आल्सो बीइंग इनको क्रिटिसाइज करता है रिजेक्ट करता है और इनको एडमायर करता है क्योंकि वो बेसिकली कहता है कि इंसान जो है इवॉल्व हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और इंसान एक जगह पे हर जगह पे एक जैसा बिहेव भी, भी नहीं करता क्वाइट राइट right, बड़ा अच्छा लगता है जब वो ये कहता है अब देखिए आप के घर में आपकी मदर है